हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप सबको स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं ब्रेड से ब्रेड के दो तरह के सैंडविचों की रेसिपी। ये बहुत जल्दी ही आसानी से झटपट बने जाते हैं और हमें ज़्यादा सामान की भी ज़रूरत नहीं होती। ये मैंने यहाँ पे टमाटर काटे हैं, खीरा, और ये चार ब्रेड पीस लिए हैं, वाइट ब्रेड ली है, सॉल्ट है, चाट मसाला, और मैंने यहाँ पर मक्खन लिया है। सबसे पहले हम ब्रेड लेंगे। मैं इनकी साइडें नहीं काटूंगी क्योंकि साइडों में भी बहुत अच्छा स्वाद आता है। सबसे पहले हम इसके ऊपर बटर फैला लेंगे। ब्रेड के साथ एक साइड में पूरा ये बटर फैला देंगे। अब इनके ऊपर हम कटे हुए टमाटर लग के स्लाइस लगाएंगे। और थोड़ा सा नमक और चाट मसाला छिड़क देंगे। इसके ऊपर फिर हम खीरा के पीसेस लगाएंगे। सेम चाट मसाला स्प्रिंकल कर देंगे। दूसरी ब्रेड से इसको हम कवर कर देंगे। देखिए, है ना सिंपल रेसिपी। इसी तरह हम दूसरे पीस पे भी लगा लेंगे। आप चाहें तो इसके अंदर हम लोग प्याज भी लगा सकते हैं, बट मैंने प्याज लगाई नहीं है। चाट मसाला स्प्रिंकल कर दिया है। अब ब्रेड लगा। इसी तरह हम सारे सैंडविचेस बना लेंगे। और इनके हम फोर पीसेस में इसको कट कर लेंगे। ये देखिए, हमारे सैंडविच तैयार है। बहुत ही कम समय में और बहुत ही कम चीज़ों से हमने झटपट सैंडविच बनाया। अब हम आलू के सैंडविच बना रहे हैं। इसके लिए हमें चार पीस ब्रेड के, दो आलू उबले हुए, चाट मसाला, नमक, लाल मिर्च, इनको अच्छी तरह से मैश कर लेंगे आलू को। ब्रेड्स लेंगे, इस पर हम मक्खन, घी कुछ भी लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पर घी इस्तेमाल किया है। सभी ब्रेडों पे लगा लेगी। अब हम इस पर आलू का मिश्रण फैला लेंगे। इस मिक्सर में हम प्याज भी डाल सकते हैं बारीक बारीक काट कर। दूसरे पीस से इसे कवर करेंगे। इसी तरह सारे सैंडविचेस तैयार करेंगे। सैंडविच हमारे तैयार है। यहाँ पे मैंने ग्रिल पैन लिया है, छोटा, जिस छोटा है मेरा ये। इसमें हम गरम करेंगे और इसमें हम बटर या ऑयल लगा देंगे। मैंने यहाँ पर घी का इस्तेमाल किया है। ब्रेड पीस डालेंगे और अच्छी तरह से सेकेंगे।
ये देखिए कितना अच्छा सिका है हमारा। इसी तरह हम दूसरी तरह से इसको सेक लेंगे। हमारा सैंडविच तैयार है, बहुत ही कम समय में कम इंग्रेडिएंट से हमारा तैयार हो जाता है, खाने में बहुत टेस्टी लगता है।